देख के भोले राव जी। भोले नहीं भाले, भाले राव। भले 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 राव जी, देखिए मुझे सच में पता नहीं है सोना मेरे घर में कहाँ से आया, मेरी बात का भरोसा कीजिए। भरोसा? तुम्हारा भरोसा तो नट्टू काका और बागा जो तुम्हारे साथ काम करते हैं वो भी नहीं करते, तो मैं कैसे करूं भरोसा? ये क्या बोल रहे हैं? अरे बागा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुझे नट्टू काका को मुझ में भरोसा नहीं है? नहीं 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 सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। और तुम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं सेठ जी। और सेठ जी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये भाई साहब मुझे और नट्टू काका को जानते कैसे हैं। अरे भाई, वो तो उन्होंने बताया ना कि भाई वो चालू जी पांडे जी ने उनको हम सब के बारे में बताया। भाई तू वो सब छोड़, तू मुझे ये बता इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि तुम दोनों को मुझे भरोसा नहीं है? मैं बताऊंगा, क्योंकि आपने कितनी बार इनको बोला मैं पगार बढ़ाऊंगा, लेकिन आज तक आपने इनकी पगार नहीं बढ़ाई। बाबा ने देखिए भले भोले भाले राव जी, आपको मेरे बारे में किसी ने क्या, चलो पांडे जी ने गलत खबर दी है। मैंने कुछ 4-5 साल पहले इनकी पगार बढ़ाई थी, लेकिन तभी इन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तभी ऊपर का जो एक्स्ट्रा पैसा हम से मांग लेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं भी थोड़ा काम में बिजी हो गया तो थोड़ा भूल गया। ये आपकी भूलने की आदत, इसी बुरी भूलने की आदत से चाचोरी भी परेशान। बापू जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शांति कैसे रखो बापू जी, मुझे थोड़ी भूलने की आदत है बापू जी। क्या बोला हूँ मैं? मुझे बराबर याद है, आप मेरे बापू जी हैं। देखो बेटा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो ये जो गैर कानूनी सोने की बात है ना, तो उसमें हम में से किसी की कोई गलती नहीं है। वो तो अब पता चल ही जाएगा चाचा जी। मिस्टर मेहता, आप बताइए आपका क्या कहना है? किस बारे में इंस्पेक्टर साहब? गैर कानूनी सोना जो आपके घर से निकला है उसके बारे में। अरे सर, कुछ भी पता नहीं हमें इस बारे में, हमारे घर में सोना कहाँ से आया, मिडिल क्लास लोग हैं, इतना सोना हमने कभी एक साथ देखा भी नहीं, पता नहीं कैसे मिला। हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? झूठ बोलने में तो आप PhD हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच का सिपाही हूँ सर, मैं एक कलमकार हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। अच्छा, अंजलि भाभी का सैलेड प्यून को खिला के खुद समोसे ठूस रहे हैं तब भी आप झूठ नहीं बोल रहे हो? तारक एक मिनट, आपने वापस ऐसा किया तारक? अरे नहीं अंजलि यार, तुम भी तुमकी बातों में यकीन कर रही हो अंजलि? मैंने पहले कभी एक बार किया था, उसके बाद कभी नहीं किया ऐसा। सर आप क्या कर रहे हैं, क्यों फंसा रहे हैं मुझे? फंस तो आप गए हैं, और अंजलि भाभी हाँ? आप भी जुर्म करने की आदी हो गई। मैं हाँ? मैंने तो कभी कोई जुर्म किया ही नहीं है। अंजलि भाभी, मेहता जी जैसे कलाकार आदमी को दिन रात कद्दू और करेला खिलाना अगर जुर्म नहीं है तो और क्या है? नहीं जुर्म है, मतलब क्या जुर्म है इंस्पेक्टर साहब? इसे तो सेहत का ध्यान रखना कहते हैं। As I truly believe health is wealth. कशा काय बिडे भाऊ? मजेत, हे सगळं काय चाललंय? मला नाही माहिती इन्स्पेक्टर साहेब। कशाला नाही माहिती? इस सोसाइटी में जो भी होता है आपको तो सब पता होता है। नहीं बराबर है, सोसाइटी की हर बात मुझे पता होती है, लेकिन इस बात के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये मला माहित नाही ते सर, समथिंग आई डोंट नो। तुम्हाला जे डोंट नो ते हाउ डू आई नो ना? वहिनी तुम्ही सांगा, ये अचार पापड़ के सामान के साथ मिक्स होके तो नहीं आ गया सोना? अगर नहीं नहीं, मेरे अचार पापड़ मेरे लिए सोने जैसे हैं, उसमें सोना मिक्स नहीं नहीं, अशक्य। बगुया। डॉक्टर हाथी एंड कोमल भाभी, आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास तो इस केस का इलाज होगा ही, आप बताइए, टेल मी व्हाट यू नो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस केस के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। Process, we don't know anything. Ask us something that we know. What is the square root of 256,642? Inspector saab, main doctor hoon, math ka teacher nahi.
ऐसे सवाल तो आप भिड़े मास्टर को पूछिए ना। Don't try and figure out the situation, Dr. Hathi. Sorry, Paaji. हाँ जी। तुसी दसो। How are you? बढ़िया जी, बढ़िया। बस आँखों से ये पट्टी निकल जाए जी। सच से पर्दा हट जाएगा तो आँखों से पट्टी हट जाए। सबर करो। ये बताओ कि गोकुल धाम सोसाइटी की गड्डी की इंजन में ये गैर कानूनी कचरा आया कहाँ से? तो मैंने कुछ भी पता होता तो मैं आपको सब बता देता इंस्पेक्टर साहब, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बार मैंने पता चल जाए कि ये गैर कानूनी काम हम गोकुल धाम वालों के साथ किसने किया है तो मैं कंट्रोल अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा। रोशन भाभी केम छे मजामा? हमने तो कहीं पर मजामा नथी तो थई जासे। वेट फॉर इट, होल्ड ऑन, होपटला। ये जो मेरी एंट्री पे जो बैंड प्ले कर रहा था वो कैसे लगा आपको? मैंने देखा नहीं, वो आंख पर पट्टी बंधी है ना। देखे नहीं लेकिन सुने ना। बढ़िया बढ़िया था, जबरदस्त बैंड, मतलब कच्चा बैंड। जब पोपटलाल जी आपकी शादी होगी ना, ये बैंड आपकी शादी में मेरी तरफ से फ्री प्ले कर, फ्री। अरे थैंक यू साहब, भारत के पैसे मैं दे दूंगा, आप सिर्फ दुल्हन ढूंढ कर दे दीजिए। लड़की ढूंढना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं पूरी शिद्दत से आपके लिए लड़की ढूंढूंगा। थैंक यू सर। आप फिलहाल मुझे इतना बता दो कि ये गैर कानूनी काम किसने किया है? अरे क्या, छोड़ दीजिए, पकड़ के बोलते छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? कंट्रोल योर इमोशंस पोपटलाल जी। टप्पू सेना, क्या आप लोगों को पता है इस कांड के पीछे कौन है? नहीं सर, हमें भी कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं। डोंट मेक द बहाना टप्पू सेना, आप लोगों को शायद पता नहीं कि इस कांड के पीछे कौन है लेकिन हमें सब पता चल गया। पांडे जी क्या कहते हो, हम इनको बता दें कि इस कांड के पीछे कौन है? बता देते हैं, 31st की नाइट है, अब लेट नहीं करना चाहिए, इन लोगों को बता देना चाहिए। ओके पांडे जी, बता देते हैं इनको कि इस कांड के पीछे कौन है। हेलो, इस घटना के पीछे जो भी शख्स है वो हमारे बीच में ही है। कौन है जी डॉक्टर? उसके लिए आप लोगों को अपने आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी। ना भी नहीं निकल सकते क्या पट्टी वट्टी? 1, 2, 3 निकालो पट्टी। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, अपने पीछे पलट कर देखो। अरे मेहता साहब वहां नहीं, वो स्टेज की तरफ पलट कर देखो जहां 2019 लिखा है। देखा टप्पू, तुझे बोला था ना, ये आवाज बहुत फेमिलियर लग रही थी यार।
जी। पंडित जी एक बात तो बताइए कि हमारी सोसाइटी में वो गैर कानूनी सोना छुपाया किसने? हाँ। पता ही नहीं चला। वो सोना डुप्लीकेट है। क्या डुप्लीकेट? नकली सोना है। कोई नकली सोना हमारे घर में क्यों छुपाएगा? अरे जेठालाल, हम यही आपके गोकुलधाम सोसाइटी के बगल में ड्यूटी पर। रणवीर सिंह का फोन आया हमें कि भाई गोकुलधाम वालों को सरप्राइज देना। मैंने सोचा आप लोगों ने हमें इतना सरप्राइज दिया है, क्यों ना हम भी आप लोगों को करारा सरप्राइज दें। फिर क्या था, रणवीर सिंह और हमने मिलकर आप लोगों के घर में ये नकली सोना छुपा कर रख दिया। वाकई करारा सरप्राइज था पांडे जी। क्या आप लोगों ने हमें कम सरप्राइज दिया? कभी पुलिस की जीप लेकर भाग जाते हो, कभी नींबू लेने निकल जाते हो, कभी आप लोगों की सोसाइटी में भूत आ जाता है। अब गिनवाने बैठेंगे ना सरप्राइज तो 2019 का 2020 हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, चालू पांडे जी, जो बीत गई सो बात गई, उन्हें याद करके क्या फायदा। छोड़ा छोड़ा। अरे एक्चुअली क्या है ना, हम आपको सरप्राइज देकर एक छोटी सी शरारत करना चाहते थे बस। लेकिन गजब सरप्राइज दिया आपने, डरा दिया था। क्योंकि क्या है ना, आपकी भाभी दीपिका ने और हमारे फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी साहब ने मुझे बहुत किस्से बताए आपकी शरारतों के। फिर भी आपको बुरा लगा तो सॉरी यार, ज्यादा टेंशन हो गया तो सॉरी यार, सॉरी सॉरी। अरे हमें आपके नाटक का हिस्सा बनके बहुत ही मजा आया। बाय द वे चाचा जी, रणवीर जी की अभी अभी दीपिका जी के साथ शादी हुई है। कांग्रेट्स, अभिनंदन। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो दीपवीर के चर्चे मैंने अखबार में बहुत पढ़े। भाई यानी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां। बाजी अभी प्रमोशन बाकी है मेरी पसली। जसलोक, ओए जसलोक, ओए। बाजी तुसी भी सिंह ते मैं ते भी सिंह, ओ दोनों मिलके करेंगे धमाका। आपके पिछे रहोगे सुपर डुपर हिट। आपके मुंह में 50 किलो घी शक्कर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्यों हो गया, सब ठीक है ना? ठीक है, आई एम ओके, आई एम ओके। मैं बोल देता हूँ डॉक्टर आदि को, आपको इंजेक्शन दे देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। अरे ठीक है तो फिर उठा लेता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक दिन के लिए इतना मजा काफी है। बट रणवीर जी, दिस इज नॉट फेयर, आप अकेले आ गए यहाँ पे। हाँ रणवीर जी, दीपिका को लेकर आना चाहिए था ना। हाँ, वो भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आके गए हैं। हम सबको अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ, उनके कहने पर ही तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, आप आए चले आए हमको मिलने के लिए। लेकिन अगली बार सजोड़े आना, मतलब दीपिका जी को साथ में लेके ही आना है। रणवीर जी, सच बताऊँ तो मैंने आपकी वो फिल्म है ना बैंड बाजा बारात, तो कम से कम 25 बार देखी है। ओ? तो क्या ना, उस फिल्म में बैंड भी है, बाजा भी है, बारात भी है। आप फिल्म में इतने लोगों की शादियां करवाते हैं कि देखने वाले को लगता है कि उसकी भी शादी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। सच बताऊं तो मैंने आपकी शादी के सारे फोटोग्राफ हमारे तूफान एक्सप्रेस के अखबार से काट के एक एल्बम में संभाल के रखे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? मैं रोज उस एल्बम को देखता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी भी शादी ऐसे ही होनी चाहिए, रिसेप्शन भी ऐसा ही होना चाहिए और दुल्हन भी ऐसी होनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो और जैसी मेरी शादी हुई वैसी हो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ और भी धूमधाम से हो। थैंक यू। लेकिन पोपट भाई, इनकी शादी इटली में हुई है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इटली ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। अरे इटली क्या भागा, मैं गोकुलधाम को चांद पर लेकर जाने को तैयार हूँ, बस दुल्हन मिल जाए और शादी हो जाए। अरे भाई कुछ भी गए, हम तो आपके बाजीराव मस्तानी फिल्म के कायल हैं।
और ये एक शूरवीर योद्धा और बहादुर राजा का क्या बखूबी आपने किरदार निभाया और यारा दिल खुश कर देता। थैंक यू मोस्ट वेलकम। वैसे बाजीराव मस्तानी तो मेरे भी फेवरेट फिल्म थी। ओह बाजीराव पेशवे के किरदार में क्या गरिमा दिखाई थी आपने। फक्त मराठी माणूस नहीं हर भारतीय को सुवर्ण इतिहास पे गर्व होगा। ऐसा काम किया है आपने उसमें मस्त। थैंक यू सो मच। अरे अरे यार भाई गलत बोल रहा है भाई। वो डायलॉग ऐसा नहीं था। वो डायलॉग ऐसा था। नहीं सेठ जी नहीं 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 ये डायलॉग नहीं है। क्या डायलॉग का सत्यानाश कर दिया। नसीब हमारा देखो इधर लियो हमको ऐसा सुनने को मिला साक्षात रणवीर जी क्या मुंह से। लेकिन रणवीर भाई मैं अपनी बात करूं तो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म आपकी जो है कौन सी है पता है। रामलीला। हाँ उसमें एकदम पक्के गुजराती लग रहे हैं आप। हाँ और आपने जो एंट्री मारी है वो छकड़े पे बैठ के वो जो ततड़ 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 करके आप मानेंगे नहीं तभी वो पिक्चर आई थी ना। तभी तो रोज मैं ऐसे बाथरूम में नहाके बाहर निकलता था ना तो फिर बाल में ऐसे ततड़ 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 ततड़। नहीं बाबूजी एक एक बार देख लिया था बाबूजी। अरे क्या बोल रहे हो मोटा भाई। मोटा भाई मोटा भाई तुमने वो रामलीला में जैसा टेढ़िया पहना था ना मैंने नवरात्रि में जेठिया को बोल के वैसे ही टेढ़िया बनवाया। मैं बनवा के लेके आया था बाबूजी। रणवीर जी आई हैव टू से माई फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स इज दिल धड़कने दो। आई थिंक यू लुक फैंटास्टिक इन दैट। आई मीन रियली डैशिंग। हां एकदम क्यूट टाइप। जिंदगी हो जाए सुहानी नए साल में। आइए शुरू करें कहानी नए साल में। आप हंसते रहें खुश रहें मस्त रहें खुशियों की हो रवानी नए साल में। न मन भेद हो न मतभेद हो न मन मुटाव हो बात हो दिल की जुबानी नए साल। आज नए साल का पहला दिन है और नए साल के पहले दिन हमारी यही कामना है कि आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। ईश्वर आपको समृद्धि दे सुख दे उन्नति दे तरक्की दे संपन्नता दे और बहुत सारी खुशियां दे। और यहाँ गोकुलधाम में रणवीर सिंह के साथ मस्ती जारी है। मस्ती और हंगामा इसी तरह जारी रहेगा। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.